दोस्तों फाइनली आज हमारे पास है 2023 मॉडल होंडा की एक्टिवा 6 जो कि लेटेस्ट मॉडल है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने सेगमेंट में, तो आज हम जानने वाले हैं इसके बारे में, डिटेल रिव्यू करके आपको बताने वाला हूँ इस स्कूटर के बारे में। जो भी डाउट होगा आपके मन में, सारे डाउट क्लियर करने वाला, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस स्कूटर के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी प्राइस एंड वेरियंट की बात कर लेते हैं। इसमें आपको एक एच स्मार्ट नाम से मॉडल देखने को मिल जाएगा जिसकी प्राइस ज़्यादा रहने वाली है, और ये हमारा स्टैंडर्ड मॉडल एक्टिवा 6। इसकी ऑन रोड टाइम मुंबई की आपको पड़ने वाले इस शोरूम की 95,000 रुपये विद एसेसरीज, जिसमें आपको हेलमेट मिल जाएगा, पार्किंग कवर मिल जाएगी, सीट कवर मिल जाएगी, एंड जो भी जेन्युइन एसेसरीज आती है होंडा की तरफ से वो सारी जेन्युइन एसेसरीज आपको साथ में मिलने वाली है। तो फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस स्कूटर के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने स्टेट का ऑन रोड प्राइस जानना है तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं वहां का ऑन रोड प्राइस आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले हम फ्रंट लुक से स्टार्ट कर लेते हैं। हेडलाइट की बात करें, आपको इसमें हेडलाइट मिलने वाली है LED, जो कि बहुत ही अच्छी विजिबिलिटी आपको मिलने वाली है रात के समय में। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रही इसकी हेडलाइट, ये रहा हाई बीम, लो बीम, ऐसा कुछ काम करने वाला है। एंड इंडिकेटर हम देख लेते हैं, ये रहा इंडिकेटर, आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाला है बहुत ही प्यारा सा। सो ये रहा इसका फ्रंट का प्रोफाइल, और सामने से देख सकते हो ये कुछ ऐसे दिखने वाली स्कूटर। ये रहे इसके मिरर, यहाँ पे थोड़ा सा आपको स्टाइलिश दिखाने के लिए ऐसा कुछ फिनिश दिया गया है। यहाँ पे आपको होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, नंबर प्लेट यहाँ पर लगने वाला है, क्रोम वर्क सामने आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे। ये आपको फाइबर वर्क के साथ मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों ये आपको मेटल का मिलने वाला है। सो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी मिल जाएगी, और साथ में आपको ये साइड फ्रेम भी मिल जाएगा जो कि मेटल का रहने वाला है, जो कि ओरिजिनल होंडा का रहने वाला, लिखा भी गया है एक्टिवा ऐसा कुछ करके। ये जो साइड फ्रेम है ये आपके बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करने वाला है, यहाँ पे भी दिया गया देख सकते हो, और आगे भी दिया गया मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी आपको मेटल का मिलने वाला है, रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन को लेकर। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है। टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस मिल जाएगा, 90x90 सेक्शन का आपको मिलने वाला है। एंड अगर हम व्हील की बात करें तो आपको मेटल व्हील मिलने वाला है जिसकी साइज आपको फ्रंट में मिल जाएगी 12 इंच की। ब्रेक की बात करें, फ्रंट एरिया दोनों में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला, ब्रेकिंग सिस्टम आपको CVS मिल जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं इसके रियर टायर एंड सस्पेंशन को लेके। अगर हम इसके रियर टायर की बात करें, ये भी आपको ट्यूबलेस मिलने वाला। टायर साइज की बात करें, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिलने वाला है, 90x100 का आपको रियर में टायर साइज देखने को मिल जाएगा, 10 इंच की आपको मेटल व्हील मिल जाएगी, ड्रम ब्रेक मिलने वाला, एंड साथ में आपको मिल जाएगा CVS ब्रेकिंग सिस्टम। और सस्पेंशन की बात करें तो आपको इधर देखने को मिल जाएगा, आपको सिंगल साइड सस्पेंशन देखने को मिलने वाला है जो कि ऐसा कुछ रहने वाला, इसे आप 3 times एडजस्ट कर सकते हो। ये है हाइड्रोलिक टाइप सस्पेंशन, यहाँ पे आपको किक देखने को मिल जाएगी जो कि काफी अच्छी बात है, होंडा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, और इधर साइड से आप देख सकते हो स्कूटर को, यहाँ पे आपको एक्टिवा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी आप फ्रेम गार्ड देखो दोस्तों, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ में आपको मिलने वाला है। रियर का लुक आप देख लो, टेल लाइट आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाली, ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। टेल लाइट सो ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। यहाँ पे आपका रहने वाला है फ्यूल टैंक, फ्यूल टैंक की बात करें तो आपको मिलने वाला 5.3 लीटर के आसपास आपको मिल जाएगा। इसकी माइलेज की बात करें तो आपको 45 के आसपास मिलने वाला है। ये लेटेस्ट मॉडल देखते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो E20 का आपको स्टिकर मिल जाएगा, आप इसमें E20 वाला फ्यूल डाल के चला सकते हो। OBD2 आपको इस स्कूटर में मिलता ही है। और आ जाते हैं इधर से थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे आपका मिल जाएगा लेडीज फुटरेस्ट एक साथ, डुअल स्टैंड आपको मिलने वाला है, साइड स्टैंड आपको मिल जाएगा। इसमें आपको साइड स्टैंड के साथ में साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलने वाला है। सो ओवरऑल इधर से स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है। सो ये रहा इस स्कूटर के लेफ्ट साइड का प्रोफाइल जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये कैसा लगा। अभी मैं आते हैं इसके फ्रंट में, एंड फ्रंट से एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। तो सामने से ये स्कूटर कुछ ऐसे दिखने वाली है, एंड आ जाते हैं इसके राइट साइड में, राइट साइड से देख लेते हैं। सो राइट साइड से स्कूटर कुछ ऐसे देखने को मिलने वाली है। एक्टिवा की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको साइलेंसर मफलर मिलने वाला जो कि ब्लैक मैट जैसा दिया गया है। बाकी इधर आपका इंजन रहने वाला है। इंजन की बात करें तो आपको 100cc का दमदार इंजन मिल जाता है जिसमें आपको ठीक ठाक पावर एंड टॉर्क मिल जाएगी। साथ में आपको मिलने वाला सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, 2 valve, एयर कूल, FI, और आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। ये जो आप साइड पैनल देख रहे हो ये सब आपको मेटल का मिलने वाला है। सो बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी मिल जाएगी। ये आपको ये जो पीछे का है ये आपको फाइबर का मिलने वाला है। अभी हम सीट की बात कर लेते हैं कम्फर्ट की। तो एक्टिवा अपने कंफर्ट को लेकर जाई जाती है, इसमें आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है, कुशनिंग आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी, लंबी चौड़ी आपको सीट मिलने वाली है। सो पिलियर राइडर को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली अगर आप सिटी राइड करते हो या फिर हाईवे राइड करते हो। तो अभी हम सीट ओपन करके देख लेते हैं, यहाँ से आपकी सीट ओपन हो जाएगी, ये आपको प्रेस करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको फ्यूल कैप ओपन करने के लिए एंड सीट ओपन करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ये मैंने प्रेस किया एंड सीट ओपन हो जाएगी। सो देख लेते हैं स्पेस, आपको अच्छा कुछ स्पेस देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आप एक छोटा वाला हेलमेट कैरी कर सकते हो, साथ में थोड़ा बहुत और भी आपको स्पेस मिलने वाला है।
और ये ओपन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल को लेकर। गर्मी है बहुत ज़्यादा, पसीना हो रहा है, आप देख सकते हो दोस्तों कितनी गर्मी है, क्योंकि फिर वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। पहले हम देख लेते हैं फुट स्टेप्स वाला एरिया। आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा, ऐसी ग्रिप मिलने वाली है और यहाँ पर आपको हुक मिलने वाला है। शायद इधर भी आपको एक हुक मिल जाएगा। आप लगेज भी कैरी, यहाँ पे आप बैग वैग कैरी कर सकते हो। और यहाँ पे देख लेते हैं जहाँ पे की एमआई लगने वाली है, तो आपको दो की एसी मिल जाएगी। यहाँ से आपका लॉक अनलॉक सीट एंड फ्यूल ये सब आप ओपन कर सकते हो। ऊपर आते हैं मीटर कंसोल के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये मैं ऑन कर देता हूँ। इसमें आपको फुली अनलॉक मीटर कंसोल मिलने वाला है। स्पीड बताएगा यहाँ पे, यहाँ पे आपका ओडोमीटर बताने वाला है, यहाँ पे आपका फ्यूल का बताने वाला है एंड बाकी अदर इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे राइट लेफ्ट के एंड ये आपका अपर डिपर का एंड ये आपका इंजन माल फंक्शन लाइट। सो ऐसा कुछ आपको मीटर कंसोल मिल जाएगा, बड़ा सा है लेकिन फुली अनलॉक रहने वाला है। और थ्रोटल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे थ्रोटल ब्रेक लीवर किल स्विच एंड सेल्फ ऑप्शन ये मिलने वाला है। इधर के स्विचेस की बात करें, अपर डिपर इंडिकेटर ऑन, अच्छा ऑन आपको मिलने वाला है, थोड़ा लाउड रहने वाला है एंड ये आपका हो जाता है ब्रेक लीवर। मिरर के व्यू आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो दोस्तों ये रही डिटेल हमारी एक्टिवा 6Z के बारे में। 2023 में आपको यही एक्टिवा मिलने वाली है। इसके अपडेट की बात करें तो आपको दो ही अपडेट हुए हैं, E20 साथ में OBD2 आपको मिलने वाला, और कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं। अगर आप मुंबई से हो तो इस शोरूम पे आप विजिट कर सकते हो। इस शोरूम का नाम यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हो आप, टू व्हील्स ऑटोमोटिव टिप। बाकी डिटेल से आपको एड्रेस डिस्क्रिप्शन पे मिलने वाला। प्राइस मैंने आपको बता दिया, आपको 95,000 के ऑन रोड पड़ जाएगी विद एसेसरीज। यहाँ तक वीडियो देखा होगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।